हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सॉल्वेंट इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास सेंसा सर के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है अब तक जो हमारी सेशन चल रही है प्रीपोजिशन की सेशन चल रही है और प्रीपोजिशन में हमने अभी जनरल प्रीपोजिशन और फिक्स प्रीपोजिशन खत्म कर दिया है और अब हमारी शुरू ये क्लास किसकी मेरे बच्चे बता दो, फ्रेजल प्रीपोजिशन की। मेरे भाई आ जाओ शुरू करते कहानी सेंसा सर की जुबानी। तो कॉल से हमने एक शब्द लिया है कॉल से और कॉल से हम फ्रेज बनाना शुरू किए हैं। कॉल के कितने फ्रेजेस बनते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जाकर के उस वीडियो को देखो मेरे भाई और फिर इसको ज़रूर दोबारा देखना। आ जाओ शुरू करते कहानी सेंसा सर की जुबानी। भाई कॉल अराउंड और कॉल डाउन की दीवानी, देखते हैं भाई किसकी पैमानी होती है। तो कॉल अराउंड का मतलब होता है मेरे बच्चे टू मीट समवन, मस्तानी हो गई ना, देखो ध्यान से कैसे टू मीट समवन मिलने जाना, ठीक है। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू मीट समवन यानी मिलने जाना और कॉल डाउन जब करते हैं भाई तो इसका मतलब होता है पुकारना, बे इधर आना भाई, आजा बेडू भाई आ जाओ, देखते हैं सही देखो सरकार कैसे। तो कॉल डाउन का मतलब होता है पुकारना, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया ना बच्चे। तो कॉल अराउंड मिलने जाना, समझ रहे हो ना, और कॉल डाउन पुकारना, आजा रात ढलने आई है ना, आ जाओ अच्छा मेरे बच्चे देखो आज शुरू करते कहानी। देखो भाई इस पर मैंने दो एग्जांपल दिया, बस छोटी सी बात और बहुत बड़ी मोटी बात। आई है ना हर एट इंडिया गेट, मैंने उसको भाई अब इंडिया गेट पे थोड़ी बुलाया सर, इंडिया गेट से भाई इधर आ, नहीं ना आप इंडिया गेट पे उससे मिलने गए मेरे बच्चे। तो आई कॉल्ड डाउन, आप यहाँ पे जो भी करेंगे आई कॉल्ड अराउंड, ठीक है प्यारे बच्चे, आई कॉल्ड अराउंड हर एट इंडिया गेट, मैं उससे मिलने गया था। कहाँ पर मिलने गया था भाई, इंडिया गेट पर, और कोई जगह नहीं मिला सर मिलने के लिए, क्या करे सर ब्रांडेड आदमी है थोड़ा काम करना पड़ता है। आ जाओ माई फादर इज, जैसे मैंने मजाक किया, माई फादर इज सभी ब्रांडेड आदमी है, माई फादर इज मेरे पिता क्या कर रहे हैं, मुझे इज लग गया, V4 आएगा भाई, तो कॉल का V4 क्या कर दो सरकार, कॉलिंग, और ये हुआ मेरे बच्चे डाउन। तो जहाँ पे भी इज एम आर वाचवर्ब लग जाए और अगर उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब अपने आप में V4 में रहता है मेरे बच्चों, बस मैं ना पैसिव फॉर्म में, और अगर यही एक्टिव फॉर्म में रहता तो इज है ना प्रेजेंट टेंस रहता तो V3 हो जाता, ठीक है ना, और अगर कंटिन्यूअस रहता तो इज है ना बीइंग फिर V3 रहता। तो ये कॉन्सेप्ट है, उसका भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी आज की पढ़ाई हमारी सिर्फ कॉल अराउंड पर और कॉल डाउन पर। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू मीट समवन और कॉल डाउन का मतलब होता है पुकारना। तो मेरे बच्चे पुकारो ना मुझे सेंसा सर को, सारी बातें आपके सामने निछावर कर देंगे, ग्रामर की कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना मुझे, और देखते रहिए बच्चे वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कराओ दूसरों से, और देखते रहिए सॉल्वेंट इंग्लिश क्लासेस सेंसा सर के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।